दोस्तों सभी लोग यहां पर बात कर रहे हैं कि भाई बिटकॉइन बिटकॉइन बिटकॉइन। आप सभी को पता होगा आज के समय पर बिटकॉइन यहां पर ट्रेड कर रहा है लगभग $62,000-$63,000 के आसपास। चार्ट्स में भी आपको दिख रहा होगा 61,800 के आसपास अभी फिलहाल इसका रेट यहां पर चल रहा है। अब यहां पर सभी लोग बात कर रहे हैं कि भाई प्रॉफिट तो लोगों को हुआ है, किसी का 30%, किसी का 50%, किसी का 100%, किसी ने 2x 3x इस तरह से प्रॉफिट लोगों ने बनाए हैं। उन्होंने जिस प्राइस रेंज पर वहां पर अपनी बाइंग बनाई थी तो वहां से रेट अभी ऊपर चल रहा है और प्रॉफिट लोगों को दिया है। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, आपको यहां पर बहुत वैल्यूएबल चीज बताने वाला हूं। सबसे पहले टेलीग्राम का जो लिंक है उसे आप जरूर ज्वाइन कर लीजिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको पहला ही लिंक देखने को मिल जाएगा, वहां पर आपको सारी सारी लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहती हैं। अब दोस्तों मैं यहां पर बात करने वाला हूं कि भाई आपने एंट्री तो यहां पर ले ली है क्रिप्टो में, चाहे आपने ऑल्ट कॉइन में ली है चाहे आपने यहां पर बिटकॉइन में ली है। हम यहां पर इस वीडियो में आज बात करने वाले हैं बिटकॉइन में कि आपने यहां पर जब एंट्री ली थी अब आपको क्या एग्जिट कर देना चाहिए, ये आपको जरूर पता होना चाहिए। और यहीं पर कुछ बात कुछ पॉइंट्स मैं आपके सामने शेयर करने वाला हूं। वीडियो का लाइक टारगेट मात्र यहां पर रखा गया है 500 लाइक का, इसे आप कंप्लीट करा ही देंगे। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आपको यहां पर बताने वाला हूं कि आपका एग्जिट और एंट्री यहां पर सही है या नहीं है, या करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। अब दोस्तों ऑलरेडी सारा का सारा मार्केट यहां पर काफी अच्छा चल रहा है, चाहे आप बिटकॉइन ले लीजिए, इथेरियम ले लीजिए, इथेरियम भी भाई $3,400 यहां पर चला गया, उसके बाद में बीएनबी $413, सोलाना ने ऑलरेडी बहुत बड़ा रेवेन्यू यहां पर पिछले कई महीनों की अगर हम बात करें तो प्रॉफिट काफी अच्छा दिया है। उसके बाद में शिबा इनू यहां पर आप सभी को पता होगा भाई, शिबा इनू हो गया, पेपे हो गया, डोज हो गया, इन्होंने पिछले एक दो हफ्ते के अंदर काफी मेजर रैली यहां पर दी है और लोगों को यहां पर प्रॉफिट बुकिंग का समय लगता है कि यहां पर आ गया है या नहीं आया है, इसके बारे में इस वीडियो में हम कंप्लीटली बात करने वाले हैं। आप सभी को पता होगा कि भाई बीटीसी का डोमिनेंस देखिए यहां पर 51% यहां पर अभी फिलहाल चल रहा है, यानी कि अकेले बिटकॉइन के अंदर 51% पैसा लगा हुआ है। अब दोस्तों जैसे ही यहां पर ये पैसा 1-2% भी निकलता है, यानी कि जो बीटीसी का डोमिनेंस है अगर ये 51 से घट करके चला जाता है 48%, 49% या फिर 46-45%, तो ये काफी बड़ा अमाउंट यहां पर बिटकॉइन से निकल करके ऑल्ट कॉइन की तरफ जाता है, जिससे कि ऑल्ट कॉइन्स में काफी मेजर जंप देखने को मिलता है। ये सबसे पहले आप याद रखिएगा, सबसे पहले पैसा आता है यहां पर बिटकॉइन में, बिटकॉइन से पैसा निकल करके जाता है इथेरियम, उसके बाद में जो लार्ज कैप कॉइन्स हैं उनके अंदर, उसके बाद में जाता है शॉर्ट कैप कॉइन्स यानी कि जिनके अंदर पैसा कम है। अब जिस कॉइन के अंदर पैसा ऑलरेडी कम है उसमें अगर इन्वेस्टमेंट जाती है तो वहां पर किसी में एक ही दिन में 24 घंटे के अंदर, जैसा कि आपने देखा शिबा के अंदर, डोज के अंदर, क्योंकि वहां पर अभी मनी का फ्लो उस तरह का नहीं है। भाई बिटकॉइन एक ट्रिलियन डॉलर की दोस्तों एक एसेट है ऑलरेडी, ट्रिलियन डॉलर, ये एक हिस्ट्री ऑलरेडी अपने आप में प्रूव कर चुका है और आने वाले शायद 1-2 साल के अंदर ये अमाउंट बहुत ज्यादा बड़ा होने वाला है। अब दोस्तों हम बात करते हैं मेन टॉपिक के ऊपर। आप सभी को पता होगा कि बिटकॉइन का दोस्तों जो हाइप है यहां पर मार्केट में बहुत ज्यादा चल रहा है। बिटकॉइन को लेकर के लोग तमाम तरह की बातें कर रहे हैं कि भाई बिटकॉइन में आने वाले समय में ये होगा, आपकी लाइफ चेंज हो सकती है, ये हो सकता है, वो हो सकता है, तो वो सारी की सारी बातें ऑलरेडी यहां पर चल रही हैं। आप भी हम भी सभी इसके बारे में जानते हैं, जिसके बारे में पहले बिटकॉइन के बारे में 2-4 साल पहले बातें करते थे तो लोग यही कहते थे कि भाई यहां पर कुछ नहीं है, ये एक फड है या एक बुलबुला है, ये फट जाएगा, ये हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, लोगों का इन्वेस्टमेंट यहां से गायब हो जाएगा, वो कौन ले जाएगा कुछ नहीं पता, इसके जो सतोशी नाकामोतो है जो क्रिएटर है इसके बारे में कुछ नहीं पता, इसका आने वाले समय में कोई रेगुलेशंस नहीं है, कोई कुछ नहीं है, तो भाई कुछ नहीं हो सकता इसका। जिन लोगों ने यहां पर बिलीव किया वो आज यहां पर इस पोजीशन के ऊपर जरूर बैठे हुए हैं कि उन्हें एट द एंड अगर उन्होंने सही जगह पर इन्वेस्टमेंट की है तो उन्हें यहां पर रिटर्न अच्छा मिला है। क्रिप्टो एंड ग्रीड इंडेक्स की दोस्तों हम यहां पर बात करें तो भाई एक्सट्रीम ग्रीड पर यहां पर ये चल रहा है 83%, ये आपको दिख रहा होगा। अब 83% यहां पर इसका चलना तो भाई आसान चीज तो है नहीं। अब यहां पर सभी लोग पॉजिटिव है कि यहां से बिटकॉइन चला जाएगा $1,00,000, बिटकॉइन चला जाएगा $1,50,000, एट द एंड देखो जाना तो है, अभी नहीं जाएगा लेकिन जाना है। और यहां पर हम बात कर रहे हैं अब मेन जो टॉपिक के ऊपर कि भाई यहां पर अगर आपने एंट्री ली थी तो एग्जिट आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, तो वो चीज वो टॉपिक आपके लिए हम सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, इसी वजह से कि भाई आपने जो प्रॉफिट आपको दिख भी रहा है तो उसे यहां पर आपको बुक भी करना है। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं सबसे पहले कि बीटीसी का पेयर यहां पर हम लेते हैं बीटीसी यूएसडीटी, बीटीसी और यूएसडीटी का हम पेयर लेते हैं और हम एक्सपेक्ट करते हैं, क्योंकि ऑलरेडी बिटकॉइन का जो लो अभी हम बात करें 1.5-2 साल पहले जब गया था, 1 साल पहले, तो वहां पर बिटकॉइन ने 15,600 के आसपास अपना यहां पर
लो लगाया था, यानी कि 2020-21 की बुल रैली के बाद में जो लो लगाया था वो लगभग $16,000 आप मान सकते हैं। अब मान लीजिए बहुत लोगों ने, शायद हम भी उनमें से एक हैं, जिसने यहाँ पर कुछ ना कुछ बाइंग तो यहाँ पर ज़रूर की थी, चाहे 10,000 की हो चाहे 50,000 की हो। तो ऐसे बहुत लोग अभी भी हैं जो यहाँ पर अपना जो बिटकॉइन है उसमें अगर उन्होंने एंट्री ली थी तो उन्हें होल्ड करके बैठे हैं। हम एक्सपेक्ट कर लेते हैं कि यहाँ पर हमने $25,000 पे अपनी बाइंग यहां पर बना ली थी बीटीसी के अंदर, $25,000 पे हमने, जब बिटकॉइन का रेट $25,000 गया तब हमने अपनी बाइंग यहां पर यानी कुछ ना कुछ परसेंट वहां से खरीद लिया, चाहे 50,000 का खरीदा हो, चाहे 10,000 का खरीदा हो, चाहे 1,00,000, 10,00,000, सभी का अपना अपना अलग अलग पोर्टफोलियो है, सभी का अपना अपना अलग अलग रिस्क मैनेजमेंट है, किस तरह से उन्हें यहां पर मैनेज करना है। अब आपने एंट्री ले ली $25,000, अभी बिटकॉइन का रेट चल रहा है लगभग $62,000-$63,000, यानी कि डबल से भी ज्यादा, 2x से भी ज्यादा का ऑलरेडी यहां पर BTC के अंदर। ऑल्ट कॉइन्स में तो आपको 3-4x भी यहां पर अगर आपने बाइंग की हो तो ऑलरेडी बना चुके होंगे अगर आपने लो पर वहां पर एंट्री ली थी, लेकिन अकेले BTC ने जब 25,000 पे आपने एंट्री ले ली, अभी रेट चल रहा है यहां पर $62,000, तो भाई आपको यहां पर अपना जो पोर्टफोलियो आपका है जितना भी है, मैटर ये नहीं करता कि आपने यहां पर कितना इन्वेस्टमेंट किया, लेकिन जब तक आप यहां पर प्रॉफिट बुक नहीं करेंगे तो आप यहां पर एट द एंड जो प्रॉफिट आप यहां पर देख रहे हैं उसे लॉस में चले जाएंगे अगर आप प्रॉफिट बुक नहीं करेंगे। तो भाई यहां पर आपकी 30% जो आपका टर्नओवर आपको अपने वॉलेट में दिख रहा होगा और ओवरऑल उसे आपको यहां पर सेल कर देना है, यानी कि 30% आपको यहां पर अपना प्रॉफिट बुक कर लेना है। अगर आप प्रॉफिट बुक नहीं करेंगे तो उसके लिए सिंपल सा एक चीज आप जरूर कर लीजिएगा। सबसे पहले आप अपना जो स्टॉप लॉस है, आपने अगर BTC के अंदर अपनी बाइंग बनाई हुई है, BTC अभी $62,000 के आसपास चल रहा है, तो आप यहां पर, क्योंकि मेजर डंप यहां पर कब मार्केट में आ जाए, एक नेगेटिव न्यूज, क्योंकि यहां पर जो बड़ी बड़ी वेल्स हैं वो यही तो करती हैं, वो न्यूज़ का दोस्तों यहाँ पर बेनिफिट लेती है और एक न्यूज़ मार्केट में ऐसी सर्कुलेट कर देंगी जिससे कि आम इन्वेस्टर अपना प्रॉफिट बुक नहीं कर पाता, उसे अब ये लगता है कि भाई BTC यहाँ से 62,000 से उठ करके चला जाएगा $70,000-$80,000-$100,000, क्योंकि वहाँ पर उसे डेली कुछ ना कुछ प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पर प्रॉफिट देखने को तो मिल रहा है, लेकिन मान लीजिए मार्केट में यहाँ पर डंप आ गया तो आपने अपनी क्या तैयारी करके रखी है? कुछ नहीं करी। इसी वजह से मैं आप सभी को बता रहा हूँ कि यहाँ पर आप अपना जो स्टॉप लॉस है उसे आप यहाँ पर लगा करके रखिएगा। स्टॉप लॉस कितने पर आप लगा सकते हैं? स्टॉप लॉस आप 50,000 से लेकर के आप अपना 55,000 के बीच में आप मान करके चलिएगा, 50 से 55 के बीच में आप अपनी एंट्री जो स्टॉप लॉस की है उसे आप बना करके लगा करके रख लीजिएगा। अगर BTC का रेट कोई नेगेटिव न्यूज़ मार्केट में आती भी है, अगर BTC यहां पर 10-20% डाउन होता है तो आपको जो ये स्टॉप लॉस है ये यहां पर बचा लेगा। वो बचाने का उद्देश्य यही है कि आपकी जो एग्जिट पॉइंट है वो आपको पता है कि भाई अगर BTC में कुछ मेजर इम्पैक्ट यहाँ पर नेगेटिव न्यूज़ मार्केट में अगर कोई सर्कुलेट होती है तो ये जो स्टॉप लॉस मैंने लगाया हुआ है ये आपको यहाँ पर बचा लेगा। अगर नेगेटिव नहीं हुई, अगर पॉजिटिव ही रहा सारा मोमेंटम, तो मान लीजिए BTC का रेट यहाँ पर चला गया $80,000, क्योंकि जा सकता है, क्योंकि पिछले अगर 1-1.5 महीने का जो आप सिनेरियो देख रहे होंगे उसमें BTC $80,000 भी अगर चला गया तो उसके लिए क्या करना है आपको, अब मैं सिंपल आपको बता देता हूं। मान लीजिए आप यहां पर बैठे हुए हैं 62,000 पर फिलहाल जो करंट रेट है, अगर BTC यहां से छलांग लगा करके चला जाता है $80,000 अगर BTC यहां से चला जाता 62,000 से 80,000, जो स्टॉप लॉस मैं आज आपको लगाने के लिए करंट रेट पर कह रहा हूं कि भाई 50 से 55 के बीच में उसे लगा करके रख लीजिएगा, उस स्टॉप लॉस को फिर आपको बढ़ा करके कर देना है 10,000, आपको कम से कम यहां पर बढ़ा लेना है, यानी कि 65,000 के आसपास फिर आपका जो स्टॉप लॉस है वो वहां पर पहुंच जाएगा $65,000 के आसपास। अगर BTC का रेट चल रहा है $80,000 तो आप भाई 65,000 से 68,000 के बीच में जो भी प्राइस रेंज आपको सही लगे आप अपनी कैलकुलेशन आप अपनी रिसर्च करें, तब यहां पर आप उस स्टॉप लॉस को ज़रूर लगा करके रख लीजिएगा कि भाई अगर BTC फिर उससे और ऊपर चला जाता है तो आपको स्टॉप लॉस यानी कि आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का भी आप वहां पर यूज़ कर सकते हैं, परसेंटेज आपके ऊपर है कि आपको यहां पर करना है। अदरवाइज होगा वही कि आपने जो एंट्री बनाई सही समय पर एंट्री बनाई लेकिन सही एग्जिट का आपको नहीं पता, तो ये स्टॉप लॉस आपका जो प्रॉफिट होगा, अगर आपका स्टॉप लॉस ये हिट हो गया, मान लीजिए
स्टॉप लॉस जो फिलहाल करंट रेट का जो चल रहा है $62,000 BTC यहाँ से नेगेटिव न्यूज आई, मार्केट में फट हो गया ये फलाना ढिमका, और वो हो सकता है अब से पहले भी हुआ है। मान लीजिए USDT को लेकर के या बाइनेंस को लेकर के जो भी एक्सचेंजेस या तमाम तरह की न्यूज आप सभी को पता है भाई मार्केट में सर्कुलेट होती है, अगर BTC 62,000 से एक महीने बाद अगर हम इमेजिन करें कि एक महीने बाद BTC यहाँ पर $40,000 से $45,000 की प्राइस रेंज में चला गया, तो आपका जो लॉस होने के जो चांसेस हैं वो यहाँ पर, क्योंकि ऑलरेडी जो स्टॉप लॉस आपने लगाया है, जो प्रॉफिट आपने बुक किया है, वो आपका यहाँ पर आपको बचा लेगा। सबसे पहले आप अपने कैपिटल को यहाँ से बाहर कर लीजिए, अगर कैपिटल आपका यहाँ से बाहर हो गया फिर आपको यहाँ पर इस मार्केट में कोई नहीं डरा पाएगा, आप समझिएगा। और जो बड़ी बड़ी वेल्स हैं वो यही करती हैं, सबसे पहले उनका टारगेट यही रहता है कि यहाँ पर जो उनका कैपिटल उन्होंने लगाया है उसे यहाँ पर बाहर करना है, उसके बाद में जो प्रॉफिट यहाँ पर बच रहा है उससे वो मार्केट के ऊपर खेलते हैं। लेकिन आम इन्वेस्टर यहाँ पर थोड़ा सा अलग हिसाब से सोचता है। भाई वीडियो आपको अच्छा ज़रूर लगा होगा, वीडियो को लाइक करके जाइएगा, टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, उसे आप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट जरूर कीजिएगा, ऐसे ही वैल्यूएबल वीडियोस डेली मैं आपके सामने कुछ ना कुछ लाता रहता हूं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक यू, हैव ए गुड डे।